हेलो फ्रेंड्स, समर कलेक्शन आ गया है जनपद मार्केट में। जल्दी से आ जाइए, ईयरफोन लगाइए कानों में, एसी ऑन कीजिए और देखिए जनपद का नया समर कलेक्शन। बहुत ही शानदार सामान आया है, एसेसरीज, कपड़े, ज्वेलरी, जो भी चीज़ आपको शॉप करनी है तो जनपद मार्केट बेस्ट है। मैं मानती हूँ गर्मी बहुत है, आप जब भी आएँ सनग्लासेस लगाइए, हैट या अम्ब्रेला साथ में लाइए, वाटर बॉटल साथ में लाइए। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर है और मैं सब सामान की पहले आपको झलक दिखा देती हूँ ताकि आपको पता लगे मार्केट में क्या क्या सामान नया है। इसलिए जब भी आप शॉपिंग करने जाएं फटाफट उसी चीज़ को शॉप कीजिए और ले आइए, क्योंकि गर्मी बहुत है। पानी की बोतल ज़रूर साथ लेकर जाइएगा। अब ध्यान से बैठकर देखिए, क्योंकि जिस भी शॉप का मैं सामान दिखाऊंगी उसके साथ में नंबर भी दिखाऊंगी। दिखाऊंगी नहीं नंबर तो मैं आपको बता दूंगी मुझसे बोलकर कि कौन सा नंबर दुकान है। सबसे पहले मैं आपको ले जाऊंगी बैग की दुकान पर, जो कि बहुत सुंदर गुजराती बैग आए हैं, जो कि 300 रुपये से लेकर 1000-1500 रुपये तक के बहुत सुंदर बैग हैं। अधिकतर बैग 500 रुपये से कम के हैं और थोड़ा सा मोल भाव भी हो ही रहा है इस दुकान पर, और ज़बरदस्त शॉपिंग हो रही है। 3 नंबर दुकान है तो ज़रूर आइएगा जब भी आप जनपद आएँ, क्योंकि ये बहुत अच्छे लगे मुझे। और 7 दिन खुला रहता है जनपद मार्केट, तो आप कभी भी आ सकते हैं। ये पिट्ठू बैग है ना, ये 850 का बोल रहे हैं, और ये सामने बास्केट बैग है, ये थोड़ा महंगा है, कुछ ज़्यादा महंगा है। कैप्री और पैजामे के अलावा डंगरी की वैरायटी बहुत ही अच्छी आई हुई है। ये दुकान नंबर 9, इस तरह मैं आपको दिखाती रहूँगी ताकि मैं कम से कम बोलूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। वैसे तो चुप रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपको दिखाऊँ ज़्यादा और बोलूँ कम। और ये बैग की शॉप है ना, 500 रुपये के 2 बैग मिल रहे हैं, चाहे आप छोटे लो चाहे बड़े। हाँ, गुंजाइश तो होती है बार्गेनिंग की बहुत सारी। जूतियों की नई वैरायटी गोल्डन वाली मैंने भी खरीदी। और ये समर कलेक्शन है ना, कॉटन फैब्रिक बहुत अच्छा है एकदम, पता नहीं ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के फैब्रिक से। और ये सेट है ना नाइट सूट का, निक्कर के साथ ऊपर छोटा सा शर्ट होता है, वो मैंने भी लिया है अभी। पजामे, समर के कपड़े के पजामे, हौजरी के पजामे, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में। और इस तरह की स्पैगेटी ड्रेसेस सब वही 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक। और ये प्रिंट देखिए, और ये भैया अभी स्टॉल लगा रहे हैं अपना। ये सामान ना देखने में यहाँ पर आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप एक प्लेट भी घर पे ले जाकर सजा देंगे ना डाइनिंग टेबल पे, बड़ी सुंदर लगेगी। 250 रुपये में लॉन्ग स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट, और वो देखिए सामने ये टी शर्ट कितनी सुंदर लग रही है ना, बेहद खूबसूरत कलर भी है। अगर आपके पास 1000 रुपये भी है ना, तो आप शूज़, बेल्ट, ड्रेस, दुपट्टा, मतलब फुल ड्रेस ऊपर से नीचे तक, ज्वेलरी समेत आप शॉपिंग कर सकते हैं यहाँ पर। यानी कि अगर आपकी जेब में 4000 रुपये भी है ना, तो आप 5 ड्रेसेस तो लेकर आ ही सकते हैं। और मैंने जो यहाँ से शॉपिंग करी है वो मैं आपको अगले वाले ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। डेनिम भी बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पर, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि यहाँ पर ट्राई तो कर ही नहीं सकते ना। ये लॉन्ग ड्रेसेस बहुत सुंदर हैं, 800 रुपये से शुरू हैं, 1200 रुपये तक हैं, और गुंजाइश तो है ही नेगोशिएशन करने की। गेट के पास जो भैया दुपट्टे बेच रहे हैं ना 50-60 रुपये का, उसके पास ये डेनिम है, टी शर्ट्स हैं, ये सारी शॉप्स उसके आसपास ही हैं। सबसे अच्छी मुझे ये वाली ड्रेस लगी, प्रेडेड है, इसमें ब्रा की नीचे ज़रूरत नहीं है, समर में इससे अच्छी ड्रेस कोई हो ही नहीं सकती। अगर आपके पास वाइट शर्ट नहीं है तो ज़रूर यहाँ से खरीदिएगा एक। और ये भैया अभी अपनी पोटली खोल रहे हैं, इसमें वाइट कलर की शर्ट्स हैं, क्या है ड्रेसेस हैं पता नहीं। और ये सामने जीन्स की दुकानें हैं, आप समझ ही गए होंगे, एंट्री पर ही है ये दुकानें,
सामने जीन्स की दुकानें हैं और इधर ये देखिए ओम लिखा हुआ ये कुर्ता, यहाँ पर ये महंगा बोल रहे हैं, 400 रुपये का बोल रहे हैं पर 250 रुपये तक का दे देते हैं। और ये स्कार्फ वाले भैया ये 60 रुपये का स्कार्फ दे रहे हैं, 50 रुपये तक का शायद दे देंगे, लेकिन बार्गेन नहीं कराओ, 10 रुपये इनको कमाने दो। इतनी गर्मी में, पसीने बहाने वाली गर्मी में, मतलब सूख जाए इंसान, ऐसे में ये लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। टी शर्ट्स की नई वेराइटी आई है, ट्राउज़र्स की नई वेराइटी आई है, चाहे जेंट्स कपड़े हों चाहे लेडीज़, सबकी वेराइटी बहुत अच्छी है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये 17 नंबर शॉप है और यहाँ पर भी अच्छा सामान है। मैं ज़्यादा तो नहीं लाई, मेरे को ना थोड़े से शॉर्ट्स लेने थे, मैंने वो लिए हैं क्योंकि समर्स में शॉर्ट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक मैंने ट्राउज़र लिया है, बस कुछ खास सामान नहीं लाई हूँ, थोड़ी सी जंग ज्वेलरी लेकर आई हूँ और चप्पल्स लेकर आई हूँ मैं, एक स्लीपर्स मुझे अच्छे लग रहे थे वो लेकर आई हूँ, और क्या लाई हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। वैसे तो मैं जा रही हूँ परसों काठमांडू, तो मैं वहाँ की भी वीडियोस डालूंगी। अगर मैं वहाँ पर जाने से पहले डाल पाई, कल का दिन बचेगा ना, परसों तो मुझे पैकिंग करनी होगी, तो मैं दिखाऊंगी आपको वो सामान भी। ये देखिए ये कुछ वो आ गए हैं जो MCD के लोग आते हैं ना, तो ये पटरी पर जो इतने बैठे हुए थे, या बाहर सामान टांगा हुआ था, ये सारे डंडे पर कपड़े टांगे हुए थे ना, सारे निकाल निकाल के अंदर रख रहे, नहीं तो वो उठा कर ले जाते हैं। मतलब इन्होंने इलीगल वे में आगे दुकानें बढ़ाकर फिर ये कपड़े टांग देते हैं ना, तो रेड पड़ती है ना MCD की, तब ये देखिए। तो ये सारा सामान उठा उठा कर, या तो फिर इनका चलान होता है, जो लोग उठा सकते हैं वो उठा लेते हैं, तो ऐसा तो होता रहता है जनपद पर सरोजनी में, थोड़ी थोड़ी देर में ही आती रहती है, कभी गाड़ियाँ कभी दिन में एक बार आती हैं, पूरा खाली हो जाता है। देखिए अभी तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी, और अब देखिए स्टूल भी अंदर ले जा रहे हैं दुकान के अंदर ही, सारी पटरियाँ बिल्कुल खाली हो गई हैं, रोड खाली हो गई है, जहाँ जहाँ पुलिस जा रही है वहाँ से एकदम सफाई होती जा रही है, रोड भी खाली होती जा रही है, जो फेरी वाले हैं वो भी चलते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और ये सारे दुकानदार ये देखिए लाइन से कैसे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब पुलिस जाए वो फिर से दुकान वापस लगाएं अपनी। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं परसों जा रही हूँ काठमांडू, और भी बहुत सारी जगह जाऊंगी, तो वहाँ की भी वीडियोस डालूंगी, सारी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें, इसके लिए आप फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी सामान मैं खरीद के लाई हूँ उसकी भी अलग वीडियो डालने की कोशिश करूंगी परसों काठमांडू जाने से पहले। ये देखिए पुलिस जाती जा रही है, दिखाई दे रहे ना आपको। अच्छा सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग जो आज मेरे को मिला, वो सबसे ज़्यादा जो बिक रहा था ना, वो ही क्रीम कलर का जो शॉर्ट ड्रेस है ना, नाइट ड्रेस, वो सबसे ज़्यादा बिक रही है। वैसे ये देखो ये वाली है ना, सबसे ज़्यादा ये बिक रहा है, 300 रुपये का पूरा सेट है। इस बार मैंने देखा कि कस्टमर ट्राई कर रहे हैं, ये देखिए पहन कर देख रही हैं ये लेडी कपड़ों के ऊपर ही। और ये सबसे ज़्यादा बिक रहा है टॉप, ब्लैक और वाइट कलर की स्ट्राइप्स हैं, कई लोगों को लेते देखा। ये पेरिस लिखा है ना, ये कलर के कपड़े भी बहुत बिक रहे हैं, मेरे को लग रहा है आपकी बार का यही समर कलर है। पीच कलर और सी ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। परसों जा रही हूँ मैं घूमने और वहाँ से बहुत सारे ब्लॉग्स मैं डालने वाली हूँ, तो आपका एक भी ब्लॉग अगर मिस हो गया ना, तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। शानदार ब्लॉग्स होने वाले हैं, और जो शॉपिंग करके मैं लाई हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद मैं जा रही हूँ सरोजनी नगर भी, तो सरोजनी नगर का ब्लॉग भी मैं डालूंगी, अभी पोस्ट कर दूंगी, ताकि आप सरोजनी नगर में क्या नया सामान आया है, समर कलेक्शन क्या है, वो भी आप अच्छे से देख पाएं, क्योंकि गर्मी इतनी है, अगर आपने देखा होगा क्या कलेक्शन में है तो फटाफट जाकर वही सामान लेकर आ सकते हैं, नहीं तो पूरी गर्मी की दोपहर में आपको घूमना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेहनत करके मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, ताकि आपको पता लगे कि किस मार्केट में क्या सामान आया है। जल्द मिलते हैं।